तो प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्ण। तो आज के लेक्चर में हम 16 नंबर का जो प्रकरण है हमारा, वह करेंगे शब्द और वाक्य। शब्दों अने वाक्यों दिख रहा है सबको? तो 40 नंबर के पेज पर यह चैप्टर हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हमें पढ़ना लिखना सीखना है, शब्द को पढ़ना और वाक्य को भी पढ़ना यहाँ पर हमें सीखना है। चलिए तो सबको हम पहले से पढ़ना शुरू करना है। चित्र देखकर वाक्य पढ़े। सबसे पहला दृश्य देखिए, यहाँ पर एक बच्चा है, वह पानी भर रहा है। कमल जल भर, कमल जल भर। फिर दूसरा दृश्य देखिए, एक बच्चा क्या कर रहा है? तो एक बच्चा रास्ते पर चल रहा है। कमल पथ पर चल, पथ यानी रास्ता, कमल पथ पर चल। फिर है यहाँ पर देखिए, यह बालक क्या कर रहा है? तो कुछ फल खा रहा है। क्या, कौन सा फल है? सेब, सेब यानी सफरजन। सागर सेब खा। फिर है नमन किताब पढ़, तो यह बच्चा नमन है, वह किताब पढ़ रहा है। फिर यहाँ पर साइकिल, साइकिल चला रहा है बच्चा, दीपक साइकिल चलाता है। फिर यहाँ पर देखिए, यह क्या कर रहे हैं? यह चित्र बना रहे हैं। मिलन चित्र बनाता है। फिर है गाय का दूध मीठा होता है, मीठा है, गाय का दूध मीठा है। फिर यह बच्चा जाग रहा है, सुबह सुबह में उठ रहा है। मनन उठ सुबह हुई, मनन उठ सुबह हुई। अब यह क्या है? यह पेड़ है, तो यह पेड़ है। फिर शेर चल रहा है, तो शेर जा रहा है। फिर सैनिक खड़ा है, तो यहाँ पर देखिए सैनिक खड़ा है। यहाँ पर देखिए, यह बहन क्या कर रही है? रसोई पकाती है। रानी रसोई पकाती है। अब यहाँ पर हमें जो शब्द दिए है उसको पढ़ना है और यहाँ पर लिखना है। पाठशाला, पढ़ना, अध्यापक, अध्यापक यानी शिक्षक, कक्षा, किताब और पुस्तक। फिर यहाँ पर क्या लिखा है? यह मेरी पाठशाला है, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। कक्षा में शिक्षक है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ओके, तो अब नेक्स्ट पेज पर आइए। चित्र के स्थान पर नाम लिखकर वाक्य फिर से लिखे। सबसे पहले है खेडूत, तो खेडूत खेती काम करता है। फिर है दर्जी, कपड़ा सीता है। बाघ बिल में रहता है। चिड़िया घोंसले में रहती है। तालाब में कमल खिला है। विमान हवा में उड़ता है। किसान बैलगाड़ी चलाता है। हम घर में रहते हैं। फिर नाई हजामत करता है। आकाश में बादल है। तो जो दृश्य है उसका हमें नाम लिखकर वाक्य पूर्ण करना है और फिर से वाक्य यहाँ पर हमें लिखना है। तो इसकी मैं PDF आज के होमवर्क में मैं भेज दूँगी। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरह से आपको हिंदी पढ़ना है, लिखना है और याद रखना है, ठीक है? तभी तो आएगा ना हमें हिंदी लिखना पढ़ना। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब हम बहुत सुंदर सी कहानी पढ़ेंगे और अच्छी सी कहानी का वर्णन है जो हमें देखना है नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए बाय।